सो गुड मॉर्निंग, कैसे फ्रेंड्स, सही हो आप लोग? सुबह अच्छे होंगे। मैं आपको शोरा करते हैं वीडियो की शुरुआत नितिन के साथ। दिन ऐसा है कि सुबह के बजे है 4:30 और आधा घंटा हमारे पास है। 5 बजे हमें पहुंचना है काशी विश्वनाथ के दरबार में, और क्योंकि 5 बजे वहां पे हमें मंदिर में, मतलब एक तो ज़्यादा लाइन नहीं, भीड़ नहीं मिलेगी, और जल्दी जल्दी हमें सुबह सुबह ही भोलेनाथ के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना आगे की जर्नी। तो जल्दी से मैं होता हूँ रेडी। काजल भी गई है वॉशरूम रेडी होने के लिए। ज़्यादा हमें सोने को मिला नहीं था, कल रात को 2 बजे 2:30 बजे सोए थे, लेकिन बाबा के दर्शन करने थे। तो सुबह हम अभी बजे 5:05 बजे निकल गए हैं बनारस की सड़कों में बाबा भोले के दर्शन करने के लिए। सड़कें अभी पूरी खाली पड़ी हैं, ऑलमोस्ट 5 ही बजे हैं। तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा आनंदमय रहा, बहुत ही ज़्यादा। आज एक और नया दिन इस बनारस की गलियों में, सुबह सुबह नए दिन की शुरुआत हो रही है। और कल हम तो काफ़ी जगह घूमे ही, आज हम जा रहे हैं पहले विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ जी का दरबार, गेट नंबर 4 प्रवेश स्थान, मंदिर का प्रवेश द्वार। चलो, अब मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो बाबा का दर्शन करने के बाद हम आते हैं वापस आपके पास। तो फाइनली दर्शन हमारे हो चुके हैं। ये हमने गेट नंबर 4 से एंट्री की थी, यहाँ के 4 गेट हैं, हमने गेट नंबर 4 से एंट्री की थी। 3 से एग्जिट करके 4 से अपने लॉकर में पैसे पूछते हैं, मतलब फ़ोन जमा होते हैं और चप्पल यहाँ पे भी उतार सकते हैं, वैसे बाहर लॉकर भी है, वहाँ पे भी आप जूते वगैरह अपना जमा करवा सकते हो। और बाबा के दर्शन तो हो गए भोले भंडारी के, बहुत सुकून मिला। और सुबह सुबह आ गए थे हम 5 बजे। अब तो वैसे अंदर बहुत भीड़ हो चुकी है ना, अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे वो कॉरिडोर होते हुए, ठीक है, कहाँ पर, घाट में, कैरी घर कॉरिडोर होते हुए, कैरी घर घाट में। ये हम 4 नंबर गेट से ही एग्जिट कर रहे हैं। अब ये मणिकर्णिका की तरफ प्रस्थान करते हुए गेट नंबर 4 से निकले अंदर से ही। अब बस ये है कि अगर हमारे जूते 4 नंबर गेट में हमने उतार रखे थे, तो इसलिए हमें पूरा घूम के यहाँ पर आना पड़ा। गेट नंबर 4 से एग्जिट किया, फिर पूरा गली से पीछे होते हुए मणिकर्णिका घाट में जाते हुए। अदरवाइज वहीं से अगर हमारे जूते, अगर हम गेट नंबर 3 से घुसे होते तो हम डायरेक्ट जूते लेके मणिकर्णिका घाट से भी जा सकते थे। मणिकर्णिका घाट के लिए यही, अच्छा अंदर, ठीक है, मणिकर्णिका घाट ये रहा। पूरे नीचे उतरते हुए हम लोग, अभी तो दुकानें वगैरह सब खुलेंगी, ये सब पुरानी यहाँ की इमारतें। मणिकर्णिका घाट के लिए यही, अच्छा, और यही पुराना रास्ता था घाट के लिए, ले और जो कॉरिडोर वाला वो मतलब काफी बदला गया बनारस, है ना, बहुत ज्यादा है, देहात को शहर बना दिया। और सबसे बड़ी बात सफाई, सफाई देहात को शहर बना दिया। हाँ, बैंक बैलेंस लोगों कर दिया है, बैंक टंकी कर दिया। हाँ, लोगों को इतना सुविधा दे दिया, हम लोग भविष्य में कभी सोचे नहीं जितना ये कर रहा है, वो भी करेगा आने वाले समय में, भी हट जाएगा, हम लोग भी हट जाएंगे यहाँ से। फिर कहाँ जाओगे, और रोड चढ़ाओ है, और उसका समझ लीजिए जो एक गाड़ी आएगी एक गाड़ी जाएगी, यहाँ पर ट्रक मुर्दा लेके लोग आएंगे घाट पे जाएंगे। अच्छा सुनो, मुर्दा लेके यहीं से जाते हैं लोग, मेन रास्ता है, यही है मेन रास्ता है। अच्छा, यही मेन रास्ता मणिकर्णिका घाट के लिए, यहीं से लोगों को उनके अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाता है। देख रहे हो, बोल रहे हैं कि इससे भी चौड़ा रोड हो जाएगा। मैं तो फील कर पा रहा हूँ, हम उस जगह जा रहे हैं अभी जहाँ इंसान मरने के बाद अपने शरीर को त्यागने आता है। ये मणिकर्णिका घाट, ओके, रखो यहाँ सारी ये लकड़ियाँ, ये है मणिकर्णिका घाट जहाँ इंसान
मृत्यु के बाद अपने शरीर को त्यागने आता है। जय माँ गंगे। कहूँ तो पता है क्या, यहाँ आके ना ठीक है उदासी नहीं बोलेंगे, लेकिन वैसे सा एकदम डाउन सा थोड़ा फील हो रहा है। शायद जो लोग भी लेकर आए हैं अपने अपनों को यहाँ पर आखिरी बार, उनके चेहरे देखकर जो उनके लिए तो वो सब कुछ ही था जो इस दुनिया से चला गया, जिंदगी का सत्य है ये, जो आएगा वो जाएगा। मणिकर्णी का घाट से अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ, तो कॉरिडोर में तो हम आ नहीं पाए थे, कॉरिडोर से मणिकर्णी का घाट के लिए तो आ नहीं पाए थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर में। यहाँ का सुबह का नज़ारा बनारस, ये है कॉरिडोर मंदिर से आ गई। कितने घरों को हटाया गया होगा, हजार फिर भी हजारों छोटे छोटे कितने है ना, और उन घरों में कितने परिवार, परिवार कौन उनकी घर का था, कोई लीगल वो नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे उनके पास, जैसे आप यहाँ पर आए हाँ और जमीन के वो जमीन खरीद के बनवा दिए, कागज को कुछ नहीं को दे दिए पूजा करने के लिए, अच्छा चले गए, और आपके जो बच्चे हैं वो नहीं जानते कि हमारा है कि नहीं है, हाँ अब उधर आए उसी में परिवार रख रहे हैं, बिजली और पानी का पैसा दे रहे हैं, कागज को कुछ नहीं और कुछ कहा है उनके पास, तभी कोर्ट कोर्ट में गए ये लोग, कोर्ट कोर्ट में तभी गए, मुआवजा क्यों मिलता फिर जब कागज ही नहीं, मुआवजा क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तब भी मिला है उनको भी मिला है, तो जहाँ मर्जी गए होंगे वो लोग हैं। तो अब हमने फाइनली यहाँ से बोट ली है सामने बीच के लिए, और बीच से हम मणिकर्णी का घाट से जाएंगे दशाश्वमेध घाट बोट से होते हुए। ये है यहाँ का कॉरिडोर और ये यहाँ की बोट्स। तो यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं कौन से बीच में इसी में थूकोगे, ये साफ होता होगा भैया नदी, हाँ पानी साफ। अब हम पहुँचे दशाश्वमेध घाट के सामने वाले बीच में, रेगिस्तान मरुस्थल दूर दूर तक कोई पानी का कुआं नहीं। बेबी जल्दी आ जा, हर किसी को प्यार करने चली जाती है लड़की। आप कहेंगे नहीं खा, राजू नाम है इसका, ये बाहुबली है। तो मैडम हमारे घुड़सवारी करेगी, आप जाओ पहले बैठो मैं एक वीडियो लूंगा, आप इस पे बैठिए, रुको पहले एक चीज लूंगा उसके बाद दोनों घोड़ा का, दोनों भाई भाई घोड़ा है, हम फोटो खींच देंगे दोनों, वो तो बाद में पहले इसकी वीडियो ले लो, वीडियो हम बनाते बैठो दोनों लोग का वीडियो बनाते, जाओ जो तरीके से पकड़ो, हेल्प कर दे उठा दे, पकड़ो उठाई, हां भैया गाइस आप चलिए इधर, ये तो जा चुकी है दूर मरुस्थल में पानी की तलाश में, पता नहीं कब आई, यहां से पकड़ना होता है
सिम बनाए ना, कट करके बनाए, नहीं बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, चल आप उसको ढीला करेंगे तो चलेगा। हाँ, लेफ्ट वाला खींचेंगे लेफ्ट जाएगा, राइट वाला खींचेंगे राइट जाएगा, दोनों खींचेंगे रुक जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, आप पैर टच करेंगे चलेगा, पैर ऐसे टच करना है, हल्का सा राइट वाला खींचिए, राइट खींचिए और हाँ चलिए लेफ्ट वाला खींचिए। सो फाइनली हॉर्स राइडिंग हो गई है, मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, बहुत ही कम ऐसे मतलब इंडिया में बीचेस बोल लो या बोलो जहाँ पे आपको तीर्थ स्थल के पास ऐसे बीच भी मिलेंगे, मुझे लगता है ये पहले नहीं होंगे बीच, या अभी बने हैं? नहीं नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 साल से चल बस। ये रेत डाली गई है फिर? नहीं नहीं, हाँ गंगा का हिस्सा है ना, पानी इस टाइम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बरसात में पूरा फुल हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये नहीं होंगे फिर? नहीं, तो इन्हें फिर ये शिप के थ्रू लेके जाएंगे, बोट के थ्रू? बोट के थ्रू नहीं जाता है, उन लोग का वो पीछे घर है इधर ही। अच्छा, वहाँ गंगा नहीं है? उधर गंगा नहीं है। तुमने स्नान नहीं किया? मैंने तो कल स्नान भी किया था, कपड़े लाने थे। अरे हाँ, यहाँ भी करते हैं लोग, यहाँ भी लोग नहाते होंगे ना? यहाँ लोग नहाने के पर्पस से आते हैं। मेन नहाने के पर्पस से आ रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं नहाते? चेंज करने का जगह है ना, यहाँ पे टेंट बने हुए हैं उधर। फिसलने का डर है, यहाँ नहीं है गहराई? तो ये है दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट, यहाँ लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो हम रात के टाइम पे आए थे और सुबह के टाइम पे यहाँ का नज़ारा ये होता है। यहाँ काफ़ी लोग अपने बच्चों के मुंडन के लिए आते हैं, और मुझे लगता है जब मणिकर्णी का घाट में संस्कार होता है तो यहीं बाल कटवाते भी होंगे, पता नहीं, शायद मणिकर्णी का घाट में भी बालों को मुंडवाया जाता होगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी आ सकते हैं लोग। फिलहाल यहाँ पे तो मुझे हर जगह छोटे छोटे बच्चे ही नज़र आ रहे हैं, और एक बात बताऊँ तो ये बहुत ही बड़ा बिजनेस भी है बालों को यहाँ से आगे, मतलब हेयर एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस भी है बालों को। जैसे ये भाई साहब सुबह 12 बजे रात को गए थे, आना एक बार उनसे मिल के जाएं, आना सुबह 1 बजे गए थे आप, रात को 1 बजे गए थे, कितने बजे आ गए? हाँ मैं वही बात कर रहा था, रात को 1 बजे बढ़ाते हो दुकान? नहीं नहीं लेट हो, 11 बज रहे थे, 12 बजे बढ़ाई होगी, जब हम आप बता रहे थे वीडियो में थोड़ा यहाँ के बारे में, 10-10 से 20 मिनट 11 बजे बढ़ाई सुबह सुबह कितने बजे? डेली के दिन चले। तो रूम पर जाने से पहले जो बनारस की फेमस है तीन चीज़ें क्या? कचौरी, जलेबी और बनारसी साड़ी, बनारसी पान। अब हम खा रहे हैं यहाँ की जलेबी और कचौरी, खा के देखते हैं कैसे है। हाँ वैसे हम दो नहीं लेंगे, एक ही लेंगे क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। बहुत नहीं। ठीक है, अच्छी है। तुम्हें कैसी लगी? बट हैवी है दो। सबसे बेस्ट यही रहता है कि इस टाइम आ जाओ और जल्दी से दर्शन कर लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आराम से हमने विश्वनाथ भोले भंडारी के दर्शन भी कर लिए। वेलकम टू वाराणसी। दर्शन करने के बाद आ गए हैं हम, और अभी हमने रूम चेंज किया है, 4 से 5 घंटे हमारे यहाँ रूम शिफ्टिंग हुई चले गए, क्योंकि जहाँ हमने कल रूम चेक इन कर रखा था वहाँ से पे हमें चेकआउट करना पड़ा, क्योंकि आज के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं था रूम, तो हमें मतलब उन्हीं के थ्रू कोई रूम मिल गया। बिल्कुल भी वर्थ नहीं है ये रूम तरीके से देखा जाए, बहुत ही गंदा, बहुत ही वाहियात होटल है। रिव्यू मैंने बहुत डाल दिए हैं जितने मैं डाल सकता था, मतलब ये मतलब होटल जी में तो कभी मत आना, होटल जी वाराणसी के मतलब देखो, लेकिन ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। होटल रेट इज 2100 का होटल किस एंगल से दिख रहा है ये, तो भाई ज़ीरो। और फोटोज जो डाल रखी है इन्होंने गूगल में वो तो बहुत अच्छी ऐसी डाली हुई है कि मतलब वाह, मतलब लग रहा है कि मतलब 2100 रुपये में मतलब क्या ही दे देंगे,
बट बिल्कुल भी नहीं है। 2500 रेट था, 2100 करवाया, 2100 करवाने के बाद ये मिल रहा है। तो भाई हमें लग रहा था कि हम रेलवे स्टेशन के किसी वहाँ पे ही लगेज रख लेते, जबकि हम आए नहीं अभी तक रूम पे। पहले हम अपने भाई के घर चले गए थे, मेरे भाई रहते हैं यहाँ पे। 11 बजे की हमारी ट्रेन है, अभी हम निकल रहे थोड़ा बाहर टहलने के लिए। मेरी चाय ख़त्म हो गई है काजल, एक ऐसी ही खिला दो। नाइस, टेस्टी है। वैसे ये पकोड़े खाती नहीं है, आज ये पकोड़े खा रही है, खिला भी रही है। तो बनारस में आकर पान नहीं खाया तो फिर क्या खाया, आखिर में हर चीज़ का नशा चख रहे हैं हम लोग। मीठा पान, बनारसी पान बबुआ। पटना की लड़की पटेगी नहीं, हमसे प्यार करेगी नहीं। अब हम खा रहे हैं बनारसी पान। ये चूना मत खाइएगा, लोग देने का आदत है ना। अच्छा, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। पटना की लड़की पटेगी नहीं बबुआ। कैसन बा, ठीक बा एकदम। चलो कोई शट अप। अच्छा रिकॉर्ड पहले एक का आनंद लो। बहुत अच्छा, इस चीज़ की कमी रह गई थी यहाँ पर, ये कमी भी पूरी हो गई। बनारसी पान खा के, तो पान के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बनारस में आओ, हर जगह का लुक लो, आखिर में पान खा कर जाओ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल चॉरस लाइव। ये थी हमारी बनारस की जर्नी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राइट हैंड भारत, बाय। बनारस से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हुए हम, ये है वाराणसी जंक्शन। सो अलविदा बनारस।